आपकी फोरहेड पे ना छोटे छोटे बहुत सारे सफेद दाने हो सकते हैं, या फिर लाल दाने हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मतलब दानों के अंदर ना हल्के हल्के से कील की तरह ना काले काले से निकले हों, या फिर आपके गालों पे हो सकते हैं, आपकी ठुड्डी के आसपास हो सकते हैं, आपके हाथों पे हो सकते हैं, आपके बैक साइड पे हो सकते हैं, पीठ पे हो सकते हैं, आपके थाई के अराउंड हो सकते हैं, आपके नेक के आसपास हो सकते हैं, कहीं किसी तरफ साइड पे हो सकते हैं, आपके चेस्ट के अराउंड हो सकते हैं, मतलब ये दाने आपको कहीं पर भी हो सकते हैं। आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में एक्ने कह सकते हैं, आप इसे सफेद दाने कह सकते हैं, लाल दाने कह सकते हैं, अगर फोरहेड पे है तो फोरहेड बम्प्स कह सकते हैं, या फिर आप इसे टाइनी बम्प्स कह सकते हैं, या फिर आप इसे मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो इसे मिलिया कह सकते हैं। मतलब इतने सारे नाम है, लेकिन नॉर्मल इसका इलाज सिर्फ एक तरीके से है। अब देखिए, कहीं पर किसी भी तरीके से ये आ तो जाता है, लेकिन जाता अपनी मर्जी से नहीं है, बहुत जिद्दी होता है, और कई बार आप कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा करके इसे वापस हटा तो देते हैं, लेकिन ये फिर वापस से आ जाता है। लेकिन आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, अगर आपने इससे फॉलो किया और ये प्रोसेस फॉलो किया, तो सिर्फ एक हफ्ते में यानी 7 दिन में आप इस पे असर देखने लगेंगे। इतने पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे ना कि मतलब आप अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं ना काफी टाइम से, आप कुछ लगा भी रहे हैं, फिर आप दवाइयां भी खा रहे हैं, तो आप उसे छोड़ करके ना इस वाली रेमेडी पे पूरे तरीके से निर्भर हो जाएंगे, और ये रेमेडी आपके इस टाइनी बम्प से छुटकारा दिलाकर। वैसे नॉर्मली आप देखिए तो इसे करने के लिए आपको 2 या 3 स्टेप बताए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले और भी वीडियोस देखे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि 2 या 3 स्टेप तो आपको कम से कम फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस पैक आपको बताऊंगी और एक टोनर, बस ये 2 चीजें आपको करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और यही 2 चीजें आपको असर दिखाएंगी अगर आप विश्वास करते हैं तो। विश्वास नहीं है तो फिर वीडियो ही बंद कर दीजिए, देखिए ही मत। चलिए अब शुरू करते हैं कि हम इस टाइनी बम्प को दूर करने के लिए रेमेडी को तैयार कैसे करेंगे। आपको लेना है इनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच बेसन, और किचन से ही लेनी है 1 चुटकी भर करके हल्दी। इसमें आप डालेंगे नींबू, लेकिन अगर नींबू से आपको लगता है कि जलन होगी या सेंसिटिव स्किन है या आपको कोई भी दिक्कत है नींबू से, तो नींबू को हटा करके आप यहाँ पे गुलाब जल इसमें ऐड कर दीजिए। अगर वो भी नहीं डालना चाहते हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम है, तो किचन का नॉर्मल पानी आप इसमें डाल करके एक बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बनाने के बाद अच्छे तरीके से जहां पर भी आपको ये सफेद दाने नजर आ रहे हैं वहां पे इसे भरपूर लगाइए। जितना 1 चम्मच भर के आपने बेसन इसका पेस्ट तैयार किया है ना, वो पूरा का पूरा आपको उस जगह पे लगाना है। अगर आपको फेस पे कहीं पर भी है तो आप पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए, मैं इसे अपने ही चेहरे पे आपको लगा करके दिखा रही हूं, और पता है क्या हुआ, कल रात को मैं जब सोई थी तब तक ये पिंपल मेरे गाल पे नहीं था, लेकिन अभी अचानक से ये पिंपल मतलब आ गया है। तो कहते हैं ना कि रात को सोते समय कुछ नहीं होता, लेकिन सुबह उठ के देखा तो चेहरे पे पिंपल था, तो ये चीज मेरे साथ होता है, और एक बार नहीं कई बार हो जाता है। तो अभी भी एक एक्टिव पिंपल मेरे गाल पे है, लेकिन मुझे क्योंकि आज ये वीडियो रिकॉर्ड करना था तो मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मास्क अपने किसी भी एक्टिव एक्ने या एक्टिव पिंपल पे आराम से लगा सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। इसमें कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं डाली है जो आपको हार्म करे। इसमें हमने नींबू डाला है, तो वैसे तो आप अगर डायरेक्टली अपने एक्ने पे, अपने सफेद फुंसी पे कुछ भी लगाना नहीं चाहते, तो सिर्फ डायरेक्ट आप नींबू काट करके उसका रस निकाल कर लगाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ये जलेगा, लेकिन अगर आप लगातार इसे 7 दिन करेंगे ना, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप धीरे 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 आपके दाने का जो साइज है उसे कम करते करते खत्म कर देगा, जो भी वहां दाग रह गया है उसे भी हटा देगा। लेकिन अगर आपको नींबू से कोई भी दिक्कत है तो आप ये वाला फेस पैक ट्राई कर सकते हैं। आपको इस तरीके से बना करके बस अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना है, और सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, आपको जहां पर भी सफेद दाने की समस्या है आप उस हर जगह पर इसे लगा सकते हैं। लगा करके सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे आपको छोड़ देना है। इसके बाद हम करेंगे चेहरा। देखिए 5 मिनट बाद हल्का सा आप देख सकते हैं कहीं कहीं ड्राई है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा नहीं सूखा है, क्योंकि 5 मिनट में बिल्कुल ये ड्राई नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे मोटा लेयर में लगाया है ताकि ये अच्छे तरीके से काम करे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे अपने स्किन पे अच्छे तरीके से मसाज, और मसाज करते करते हमारा जो चेहरा है ना, हमारी जो स्किन है ना, वो अच्छे से एक्सफोलिएट होगी। बेसन को आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से आयुर्वेद में तो खास तौर पे इसे एक बढ़िया एक्सफोलिएटर कहा जाता है, जो आपकी स्किन को अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करता है। तो बस हम वही करने वाले हैं, हम अपनी स्किन को करेंगे स्क्रब। देखिए, ये फेस मास्क भी आपका रेडी होगी, और लगभग 5 मिनट तक आपके चेहरे पे इसने अपना काम किया है। अब हम इसके बाद इसे स्क्रब करके अपनी स्किन को अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट कर रहे हैं। एक्सफोलिएट करते करते अभी काम क्या करेगा, आपके जो सफेद दाने हैं ना, उन दानों को अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर देगा। और जब आप इसे 5 मिनट के लिए अपनी स्किन पे छोड़ते हैं,
है ना, तो आप नोटिस कीजिएगा जब आप स्क्रब करेंगे ना, तो इसमें हल्के हल्के ना बारीक बारीक से ऐसे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको महसूस होंगे दरदरे से। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं अगर आपका हाथ गलती से थोड़ा सा हार्ड भी चल गया तो। लेकिन आपको अपने हाथ को हार्ड बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल जेंटल तरीके से स्क्रब करना है, बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसे जैसे आप किसी फूल को टच कर रहे हो। बस आराम से पेशेंसली आपको लगभग 5 मिनट के लिए अपने स्किन पे इस मास्क के साथ अच्छे से स्क्रब करके स्किन को एक्सफोलिएट कर देना है। आप जितनी देर में इसे स्क्रब करेंगे ना, यकीन मानिए जैसे ही आप चेहरा धुल करके आएंगे ना, आपके जो दाने हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इतने सॉफ्ट कि मतलब ऐसा लगेगा कि अब ये जैसे गायब ही हो जाएंगे। एक बार में कुछ नहीं होगा, आपको एक हफ्ते लगातार ये काम करते रहना होगा। फेस मास्क और एक्सफोलिएटर दोनों काम हमारे इस पैक ने कर दिया है। अब जाकर के चेहरा अच्छे से धुल लिया है आपने, इसके बाद चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको तैयार करना है एक मैजिकल टोनर। वैसे आपने अभी तक जितने भी मार्केट के टोनर लगाए हैं ना, इस टोनर के मुकाबले सारे के सारे फेल है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और होममेड है, हमने इसे घर पे खुद तैयार किया है। इसके लिए आपको लेना होगा लगभग एक छोटी कटोरी भर करके नीम की पत्तियां। देखिए ताजे नीम की पत्तियां भी पेड़ पे आ गई हैं, और जो थोड़ी सी लाल लाल होंगी ना, हल्की लाल मतलब एकदम नए पत्ते जो होते हैं वो हल्के से लाल लाल होते हैं नीम के, तो अगर वो मिल जाए फिर तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं मिलता है तो जो पत्ते आपको दिख रहे हैं पेड़ पे आप ले आइए और एक कटोरी भर के, और नीम का पेड़ आसपास आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास दिख जाएगा, तो एक कटोरी भर की नीम की पत्तियां आपको लेना है और इसे बॉईल करना है। एक गिलास जो बड़ा वाला गिलास होता है ना, उस गिलास में भर करके आप नॉर्मल जो पानी पीते हैं फिल्टर वाला वो डालेंगे और इसे उबालेंगे। लगभग आधा गिलास पानी बचेगा, उतना पानी आपको छान करके अलग कर लेना है। पहले से अगर आपके पास कोई भी टोनर वाली बॉटल खाली पड़ी है या फिर आप मार्केट से कोई स्प्रे बॉटल ले आइए और उसमें भर करके इसे रख दीजिए, आपका होममेड टोनर बिल्कुल तैयार है। चाहे तो आप इसे, अभी गर्मियां चल रही हैं तो फ्रिज में रखिए, और अगर नहीं तो नॉर्मल आप इसे बाहर भी रख करके आराम से 15 दिनों के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर 15 दिन से ज्यादा इसे यूज करना है तो आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड कर दीजिए, सिर्फ 2 ड्रॉप जो भी आप अपने स्किन के लिए यूज करते हैं वही एसेंशियल ऑयल इसमें 2 ड्रॉप डाल दीजिए, और ये आराम से आपका महीना डेढ़ महीना रह सकता है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। एसेंशियल ऑयल डालने से ये काफी दिनों तक टिक सकता है, इसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आएगी और ना ही ये टोनर आपका खराब होगा। इसे स्प्रे कीजिए अपने पूरे चेहरे पे अच्छे तरीके से और इसे ऑब्जर्व होने दीजिए, आपको खुद हाथ नहीं लगाना है, आप इसे आराम से ऑब्जर्व होने दीजिए अपने स्किन पे। और ये टोनर आप सुबह शाम दोपहर जितनी बार भी आप फेस वॉश करते हैं उतनी बार सिर्फ और सिर्फ आपको ये टोनर अप्लाई करना है। नीम इतनी अच्छी रेमेडी है ना आपके स्किन से काफी सारी समस्या को दूर करने के लिए, कि मतलब इसके मुकाबले कोई और चीज तो है ही नहीं। कहते हैं ना कि एक तराजू में नीम को रख दो और एक तराजू में अपनी जितनी भी होममेड चीजें हैं वो रख दो, तो हमेशा नीम का पलड़ा ही भारी रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है आपके स्किन, आपके हेयर, आपके बॉडी में होने वाली तमाम समस्याओं के लिए। देखिए ये जो सफेद दाने हैं ना, ये आपको किसी भी कारणवश हो सकते हैं, या तो आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, स्किन पे बहुत ज्यादा डर्ट और पॉल्यूशन है और आप इसकी रेगुलर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं रखते हैं, स्किन पे भी बाल होते हैं ये आपने नोटिस किया होगा। नोटिस क्या क्या होगा, कितने लोगों को तो बिल्कुल सामने दिख रहे होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं, तो हर कोई अपने स्किन के हेयर को रिमूव नहीं कराते, और अगर रिमूव भी करा लेना तो 15 दिन 20 दिन बाद ये वापस से आ जाते हैं। तो बाहर के जो जितने भी धूल और डर्ट होते हैं ना, वो हमारे बाल के साथ हमारे अंदर पोर्स में चले जाते हैं और फिर वापस से हमें दे जाते हैं ये एक्ने, ये छोटे छोटे से सफेद दाने गिफ्ट में, है ना। पॉल्यूशन के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको हमेशा से अपने स्किन का अच्छे से ध्यान रखना है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप साफ सफाई नहीं करेंगे, रेगुलर स्किन केयर नहीं करेंगे, तो फिर ये सारी समस्याएं आएंगी। पहला रीजन तो यही हो गया कि आप अपने स्किन की अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आपको ये सफेद दाने हो रहे हैं। आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके का कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, हार्मोनल बदलाव है, इसलिए भी सफेद दाने आपको देखने को मिल सकते हैं, टाइनी बम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हद से ज्यादा आप इस वक्त स्ट्रेस में हैं, तभी आपके स्किन पे पिंपल आ जाएंगे या फिर ये टाइनी बम्स आ जाएंगे, सफेद दाने आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो टाइनी बम्स होते हैं ना, ये आपको लगता होगा कि आपके स्किन पे हैं, मतलब ये ऊपर हैं और ये बिल्कुल इजीली ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी स्किन की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, ये उसके जस्ट अंदर होते हैं और आपको ऐसे उठे हुए जैसे नजर आते हैं, लेकिन वो आपके स्किन के अंदर होते हैं। इसलिए आपको ये सारे स्टेप्स बताए जाते हैं कि आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो धीरे 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 वो जाकर के खत्म होगा। पहले तो आप अपने स्किन के अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे, स्किन पे एक बढ़िया सा मास्क देंगे, स्किन को टोनर देंगे, तब जा करके ये धीरे 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 खत्म होता है। अगर ये डायरेक्ट ऊपर होता तो तुरंत खत्म हो जाता, लेकिन ये आपके स्किन के
ऊपरी स्किन के जस्ट अंदर होता है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई वो थोड़ी सी आप कम कर दीजिए। हाँ ठीक है, हार्मोनल चेंजेस पे तो अपना कोई हमारा जोर नहीं है, वो हमारे इंटरनली बॉडी की कुछ होती रहती है प्रक्रिया जिसके कारण ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन अगर आप रेगुलर अपने स्किन की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, अगर आप स्ट्रेस कम लेंगे, तो हो सकता है कहीं हद तक आपको इससे छुटकारा मिल जाए। और अगर ये आ गया है, जा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो ये स्टेप आप फॉलो कीजिए और इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप जितने लोगों की बातें सुनेंगे उतनी सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी कि ये सही था, ये सही था, ये सही था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सही वही चीज़ होता है जो आपके ऊपर असर करे, जो आपके ऊपर अपना मैजिक दिखाए। मैं ये नहीं कहती कि मेरी रेमेडी बिल्कुल 100% प्योर है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तामझाम करने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक चीज़ को अपनाएं और वो चीज अगर आपको असर दिखा फिर बहुत सारे तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस ये दो स्टेप आप फॉलो कीजिए, एक तो आपका फेस मास्क और दूसरा ये मैजिकल टोनर जो आपकी स्किन में हो रही सारी समस्याओं को खत्म करने का दम रखता है। अगर इससे जुड़े हुए कोई भी डाउट आपके मन में अभी भी रह गए हैं तो नीचे कॉमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।